बालोतरा के समदड़ी कस्बे में दो पहाड़ों के बीच में बना ललेची माता का मंदिर विख्यात है। सदियों पुराने इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि 800 साल पहले धूमड़ा से नौ देवियों में हुए विवाद के कारण वहां से किसी कारण से माता रवाना हुई, जो धूमड़ा से होते हुए गुफा के अंदर से समदड़ी में प्रकट हुई। माता के प्रकट होने से एक पहाड़ दो हिस्से में बट गया। जब माता जी प्रकट हुई तब क्षेत्र और आसपास जबरदस्त गर्जना हुई और उस गर्जना की ललकार के कारण माता का नाम ललेची माता पड़ा है। आज भी वो सुरंग माता जी की प्रतिमा के पास से गुजरती है, धूमड़ा तक पहुंचती है और तीन प्रतिमाएं माता जी की यहां से कुदरती प्रकट हुई हैं, जिसके बाद तीन रूपों में पूजा की जाती है और तीनों ही प्राकृतिक प्रतिमाओं के कारण प्रतिमाओं में अलग अलग स्वरूप हैं। माता जी यहाँ धूमड़ा से आए हैं, गुफा से आ गया है, इतनी मूर्तियाँ प्रकट हुई हुई है और ये माता जी की प्रकट होती हुई ललकार देने से इसका नाम ललेची माता पड़ा। ललकार देने से पहाड़ फट के दो भागों में बट गया है। पहाड़ के अंदर माता जी विराजमान है और आपने पहला प्रताप दिया, अपना पुजारी किया, पिंडी दर पिंडी हम पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। ये प्राचीन मंदिर समदड़ी का मेन मंदिर है। नवी देवियाँ नव दिन भी नवी देवियाँ खेलती हैं मंडप के अंदर, खेलती है वो आक्रम बच्चों को बढ़ाते हैं, उसके अंदर प्रवेश होती है और पूरा मंडप खेलती है और पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं। करीब 30-35 युवाओं ने मिलकर के और 1992 में ये महोत्सव शुरू किया था और 92 से आज तक विधिवत रूप से ये महोत्सव चल रहा है और बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है ग्रामवासियों का भी और हमारे युवा साथियों का भी। और अभी ये मेला बहुत पुरवान पे रहता है और प्रतिदिन यहाँ संख्या बढ़ रही है। अभी 500 से लगा के होमाष्टमी तक कम से कम 15,000 से 20,000 की संख्या यहाँ पर श्रद्धालुओं की आएगी देखने के लिए और विधिवत रूप से यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं और यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं माँ की श्रद्धा और आस्था और भक्ति के साथ में होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर मतलब हर प्रकार से सहयोग और शांति के साथ में ये मेला संपन्न होता है।